अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कई दिन से आतंकियों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा, यूपी गुजरात के लोग थे टारगेट। हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी अबू इस्माइल पूरी टीम के साथ काफिले से अलग होने वाली गाड़ियों पर बनाए हुए था नजर। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों की कर रहे थे मदद। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले पर मंगलवार को दिन भर होता रहा दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा ग्रिड में किसी बड़ी खामी से इंकार। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यात्रियों की गलती से हमला करने में कामयाब रहे आतंकी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने श्रीनगर में लोकल आर्मी कमांडर के साथ की अहम बैठक। सेना प्रमुख ने राज्यपाल से मुलाकात पर सेना की तैनाती पर भी की चर्चा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। पाकिस्तान के मीरपुर का रहने वाला है 10 लाख का इनामी आतंकी इस्माइल पिछले 4 साल से अनंतनाग और आसपास के इलाके में सक्रिय। जम्मू कश्मीर के हालात पर आज बैठकों का दौर। सीसीएस की बैठक के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक, फिर कोर ग्रुप की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। अनंतनाग आतंकी हमले पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और सीआरपीएफ के डीजी गृह मंत्रालय को आज सौंपेंगे रिपोर्ट। एक दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर कल थे दोनों। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद उमर अब्दुल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा भारत सरकार को तय करना है क्या करना है। अमरनाथ हमले में मृतकों की सूची में बड़ी गलती सामने आई। पुलिस ने मृतकों की लिस्ट में डाल दिया था दमन की हासूबेन का नाम। सही सलामत है हासूबेन। अनंतनाग में बाबा भोले के भक्तों पर हमले से देश भर में गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मुंबई में बीएचपी ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला हल्ला, आतंकी हमले के खिलाफ उठाई आवाज। बैंगलोर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, आतंकी हमले में अमरनाथ यात्रियों के मारे जाने पर जताया शोक। हैदराबाद में भी आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया। अनंतनाग की घटना पर निकाला गया कैंडल मार्च। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में राजकोट में निकाला गया कैंडल मार्च। कांग्रेस की इस पहल में बड़ी संख्या में शामिल हुए। गुरदासपुर में भी शिवसेना सड़कों पर उतरी। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ पटना में सड़कों पर उतरे लोग। आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ निकाली प्लास। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नवाज शरीफ का फूंका पुतला। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। देहरादून में भी कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ निकाला गुस्सा। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले के विरोध में लगे नारे। पुणे में कांग्रेस ने आतंकी हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन, पाकिस्तान पर निकाला गुस्सा। गौ रक्षकों को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की चुनौती। अनंतनाग आतंकी घटना पर तंज कसते हुए कहा गौ रक्षकों को आतंकियों से लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नवाज शरीफ का पुतला फूंका। आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगना। हरियाणा के हिसार में बजरंग दल के कार्यकर्ता आपे से हुए बाहर। आतंकवाद का पुतला फूंकने के बाद मस्जिद के बाहर एक शख्स को मारा थप्पड़। मस्जिद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। देवघर में अनंतनाग में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए की गई विशेष पूजा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने आयोजित किया कार्यक्रम। बड़गाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, तीनों आतंकी मारे गए। सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन, भारी गोलीबारी का भारत ने दिया जवाब। गोपाल कृष्ण गांधी बने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। कांग्रेस समेत 18 पार्टियों ने लगाई। बिहार में पहली बार नीतीश ने लालू कुंभे के खिलाफ लिया कड़ा स्टैंड। तेजस्वी को हटाने पर आरजेडी को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम। कहा आरजेडी खुद फैसला करे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त करना हमारी नीति नहीं। नीतीश के अल्टीमेटम पर लालू यादव का करारा जवाब। आज तक से खास बातचीत में कहा तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे का सवाल ही नहीं। रेलवे में घोटाले को लालू ने नकारा, रेल मंत्री रहते हुए खुद के समय को बताया रेलवे का गोल्डन पीरियड। मोदी अमित शाह पर फिर भड़के लालू, दोनों को बताया तानाशाह। कहा फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकने वाला नहीं। लालू ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार, 27 अगस्त को बड़ी रैली करके सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का किया दावा।
लालू यादव की बेटी मीसा भारती से प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 8 घंटे तक की पूछताछ। 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दागे सवाल। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर, 27 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, एक की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, मलबे में दबकर 5 की मौत, 9 लापता। नागालैंड के दीमापुर में पुल गिरने से 4 लोगों की मौत, स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले से ही जर्जर हालत में था पुल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश से एक कॉलेज में इमारतों को नुकसान, नगर निगम के अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। हावड़ा में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, बीमार से लेकर तीमारदार तक परेशान। मणिपुर में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 37 पर अटके ट्रक, जाम खुलवाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंकी। उत्तराखंड की मसूरी में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, 4 धाम यात्रा को भी किया गया बंद। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से गाड़ी में घुसा मलबा, पहाड़ के टूटने से बिगड़े हालात। उधम सिंह नगर में बारिश पर रेड अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क, सभी स्कूलों में दी गई छुट्टियां। दिल्ली में बारिश से तालाब बनी सड़क, संगम विहार इलाके में कार की छत पर चढ़े लोग, पानी में फंसी बस। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में तेज बारिश से शहर का निकला दम, कई इलाकों में जल जमाव से जगह जगह जाम। यूपी के गोंडा में भारी बारिश से चंदा नाले पर बना पुल तेज बहाव में बहा, आवाजाही पर पड़ा असर। यूपी के महाराजगंज में महाव नदी पर बना तटबंध तीसरी बार टूटा, 12 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी। इलाहाबाद में 24 घंटे की बारिश से प्रशासन की खुली पोल, थाने के लॉकअप में घुसा पानी, कैदी कुर्सी पर और पुलिस वाले मेज पर बैठने को मजबूर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में खतरे के निशान से ऊपर बाढ़ का पानी, कार्बी की पहाड़ियों पर जानवरों ने ली पना। केरल के कुन्नूर में सीपीएम कार्यकर्ताओं का तांडव, आरएसएस बीजेपी दफ्तर में की आगजनी, पेनूर में संघ समर्थकों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, समर्थकों ने निकाली रैली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 24 घंटे के अंदर 3 महिला नक्सली ढेर, मुठभेड़ के बाद भाग खड़े हुए बाकी नक्सली। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों का तांडव, गाड़ियों में लगाई आग। झारखंड के गढ़वा में एक हार्डकोर नक्सली प्रदीप यादव गिरफ्तार, नक्सली के पास से एक पिस्तौल, 2 कारतूस, मोबाइल फोन और नक्सली संगठन की पर्ची जब्त। बिहार के बेगूसराय में शराब बरामदगी के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना, पिछले साल 12 अप्रैल में रेड के दौरान मिली थी शराब की करीब 1100 बोतलें। बिहार के हाजीपुर में अस्पतालों की बदहाली का काला चिट्ठा खुला, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर बीमार महिला को लाना पड़ा अस्पताल। बोकारो के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की जगह फार्मासिस्ट मरीजों का कर रहे हैं इलाज, आज तक का कैमरा देखते ही फार्मासिस्ट हुआ फरार। झांसी मेडिकल कॉलेज की बद इंतजामी ने योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की खोली पोल, नवजात बच्ची के सीटी स्कैन के लिए ले जाते समय एक पिता को कंधे पर रखना पड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर। गुजरात की टेक्स्ट बुक विवादों में रोजा का मतलब डायरिया बताया गया। नागपुर में एक मिठाई दुकान के मालिक के बेटे पर गुंडों ने किया हमला, कांच की बोतल से किया सिर पर वार। बिहार के फतुहा में मनचले मजनू की लड़की ने पिटाई की, कॉलर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जुनैद हत्याकांड में आरोपी नरेश को 5 दिन की पुलिस रिमांड, चाकू पैंट बैग की बरामदगी के बाद टी शर्ट को बरामद करने में जुटी पुलिस। दिल्ली की अमर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की हत्या, नौकर की मदद से बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नोएडा में जिम ट्रेनर की गोलियों से भूनकर हत्या, परिवार के लोगों पर ही आरोप। दिल्ली में बीजेपी नेता राकेश चंडोक की पत्नी ने बस ड्राइवर की पिटाई की, बस ड्राइवर ने चंडोक की पत्नी की मर्सिडीज कार को मारी टक्कर। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के इंजन में फंसा युवक, 1 घंटे के बाद निकाली गई लाश। अलीगढ़ में पैसे को लेकर एक शख्स ने पिता और बेटे की हत्या, बाद में खुद आत्महत्या की। बुलंदशहर में नाबालिग से महीनों तक गैंग रेप, पड़ोस के 2 भाइयों पर आरोप, रेप पीड़िता ने मृत बच्चे को दिया जन्म तो हुआ खुलासा। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 3 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार,
150 से ज्यादा लूट की वारदात के पीछे इसी गैंग का हाथ। स्वामी ओम की दिल्ली के जंतर मंतर पर धुनाई, बिग बॉस में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे स्वामी ओम। यूपी के बांदा में फोन पर ट्रिपल तलाक का मामला आया सामने, बम ब्लास्ट के आरोपी ने दिया 3 तलाक। आगर मालवा में महंत की हत्या का पर्दाफाश, महंत की जटाओं से ही गला घोटकर मार डाला गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अस्पताल से 3 दिन के नवजात बच्ची की चोरी, सिटी कोतवाली में मामला दर्ज। झारखंड के चाईबासा में जेएमएम के स्थानीय नेता की हत्या, नक्सलियों ने मारी गोली। यूपी के हाथरस में केमिकल फैक्ट्री में छापेमारी, खतरनाक केमिकल की सूचना मिलने पर दी गई दबिश, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। यूपी के लखीमपुर में कर्ज के बोझ में डूबे किसान, नदी में कूद कर दी जान, 1,20,000 रुपए था कर्ज। कोयम्बटूर में एक शादीशुदा जोड़े ने मांगी पुलिस से सुरक्षा, दो धर्मों के बीच शादी होने से दुल्हन के घर वाले खफा। हैदराबाद के बंजारा हिल इलाके में डिवाइडर से टकराई कार, एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। मुंबई में स्कूल के बच्चों ने चीन में बने सामान का किया बहिष्कार, स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन की पहल पर बच्चों ने उठाया कदम। रवि शास्त्री बने टीम इंडिया के मुख्य कोच, 2019 वर्ल्ड कप का संभालेंगे जिम्मा। शास्त्री के कोचिंग स्टाफ में जहीर खान की एंट्री, गेंदबाजी कोच बने जरूर। विदेश दौरे पर राहुल द्रविड़ को मिली कंसल्टेंट की भूमिका, 26 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रीलंका दौरा, टीम शास्त्री की पहली परीक्षा। कोच पद के लिए सोमवार को 5 दावेदारों का हुआ था इंटरव्यू, सहवाग, मूडी, पाइबस और लालचंद राजपूत को पछाड़कर हेड कोच चुने गए शास्त्री। रवि शास्त्री टीम इंडिया में लेंगे अनिल कुंबले की जगह, विराट कोहली से कथित मतभेद की वजह से कुंबले ने दिया था त्यागपत्र, कोहली की पसंद बताए जाते हैं शास्त्री। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से आज भिड़ेगी भारतीय टीम, जीतने पर सेमीफाइनल में टिकट पक्का। एंजेलो मैथ्यूज ने तीनों फॉर्मेट में छोड़ी श्रीलंका की कप्तानी, जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज हारने के बाद लिया फैसला। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सोत्सोबे पर 8 साल का बैन, घरेलू क्रिकेट में फिक्सिंग केस में जुर्म साबित। सिमोना हालेप को हराकर ब्रिटेन की जोहाना कोंटा विंबलडन सेमीफाइनल में, 38 साल बाद अंतिम चार में पहुंची कोई ब्रिटिश महिला। ओस्टापेंको को हराकर वीनस विलियम्स भी विंबलडन के अंतिम चार में, मुगुरुजा ने भी बनाई सेमीफाइनल में जगह। अब तक देश में मौजूद कुल 110 करोड़ बैंक खातों में से 67 करोड़ खाते आधार और पैन से जुड़े, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। अब बैंकों में ही आधार कार्ड बनवाना मुमकिन, बैंकों को आधार पंजीकरण और सुधार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। करदाताओं की टैक्स जमा करने की मुश्किल को आसान बनाएगा आयकर सेतु ऐप, सीबीडीटी ने किया लॉन्च। धार्मिक स्थानों पर बंटने वाले प्रसाद और भोजन पर नहीं लगेगा जीएसटी, इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री होगी टैक्सेबल। दुकान और ऑफिस से सालाना 20% से ज्यादा की कमाई पर देना होगा जीएसटी, तुरंत कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पैनामा गेट करप्शन केस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बड़ी मुश्किलें, संयुक्त जांच टीम ने शरीफ परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला पाया। सीरिया के रक्का शहर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच जबरदस्त जंग, इस्लामिक स्टेट को उसके गढ़ रक्का से बेदखल करने की कोशिश। अमेरिकी थर्ड मिसाइल परीक्षण में रहा सफल, साधा सटीक निशाना, उत्तर कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को देखते हुए थर्ड मिसाइल का किया गया टेस्ट। अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने वाले मुद्दे से डोनाल्ड ट्रंप खिन, व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी से कहा ऐसे मुद्दों की जगह राष्ट्रपति को अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कर सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा करना पसंद। अमेरिका के मिसिसिपी में सेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन के क्रैश मामले की जांच तेज, 16 लोगों की हुई थी मौत।